नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आंबा हल्दी के बारे में। प्रकृति ने हमें इतने बेजोड़ तोहफे दिए हैं और कई बार तो ऐसा है कि एक ही तोहफा कई वैरायटी में आता है। हमारे पास कई तरीके की हल्दी देखने को मिलती है। एक हल्दी वो जो आपके किचन में, जिसको आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई गुणों से भरपूर है। उसके अलावा होती है काली हल्दी, जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन दबाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे इस आंबा हल्दी की। इसे आंबा हल्दी या आमा हल्दी दोनों ही नामों से जाना जाता है। मोटे तौर पर अगर इसमें हम फर्क करें साधारण हल्दी से, तो इसके पत्ते कुछ लंबे और नुकीले होते हैं। इसकी गांठें हल्दी की गांठ से बड़ी होती हैं। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जो हल्दी की गांठें होती हैं उसमें कुछ झुर्रियाँ होती हैं, कुछ सलवटें होती हैं, जो आपको इस हल्दी में देखने को नहीं मिलेंगी। इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक करने पर आपके हृदय में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको एक दिन में इसका 4 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप में से कई लोग आज भी आंबा हल्दी का प्रयोग करते होंगे और इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज भी आपको नहीं पता हों। आंबा हल्दी स्वाद से कड़वी और पचने में दीर्घ होती है। इसकी तासीर गर्म होती है। हल्दी का अधिक मात्रा में सेवन करने से, जैसा मैंने आपको बताया, आपके हृदय के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन ये वायु को शांत करने वाली, आपके पाचन को बढ़ाने वाली, ऐसे लोग जिनके शरीर में पथरी है उस पथरी को ख़त्म करने वाली, पेशाब की रुकावटों को दूर करने वाली, और तो और आप इसका प्रयोग अपने घाव चोट पर भी लगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आदिकाल से इसका मंजन बनाकर प्रयोग करते हैं और मुंह के सभी रोगों को केवल इस आमा हल्दी के माध्यम से साध लेते हैं। दोस्तों, इसकी मदद से आप खांसी, सांस और जिन लोगों को लगातार हिचकी की समस्या होती है उसमें भी वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रयोग उन 2 लोगों के लिए, एक तो वो जिनके शरीर के किसी हिस्से में सूजन आ गई है, वो सूजन अपने आप आई है या फिर किसी चोट लगने से आई हो, या फिर वो लोग जिनके कहीं चोट लग गई, कोई घाव हो गया, तब वो इसका प्रयोग कैसे करें। आप एलोवेरा लें, ग्वार पाठा जिसे धृत कुमारी कहते हैं, आप उसका गूदा लीजिए और उसमें आप इस आमा हल्दी का पाउडर मिला लीजिए। जब ये दोनों चीज़ें आप मिला लें, इसे हल्का सा गर्म करना है आपको, और गर्म करके अपनी सूजन की जगह पर, चोट की जगह पर और या फिर घाव की जगह पर इसे अप्लाई कर दें। आप दिन में 2 बार इसको लगा के रखें। 1 से 2 घंटे आप इसे लगा सकते हैं, उसके बाद इसे हटा दीजिए, धो दीजिए। यदि आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे या तो आपके वो जगह पर सूजन आ गई हो शरीर के किसी अंग पर, वहाँ पर कोई गुम चोट लगी है, या फिर खुला घाव भी क्यों नहीं है। इन तीनों ही दशाओं में एलोवेरा के साथ ये आमा हल्दी आपकी उन समस्याओं को ख़त्म कर देगी। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में दर्द लगातार बना रहता है, या फिर हर दूसरे तीसरे दिन उनको पेट दर्द की समस्या होती है, खाली पेट भी दर्द होता है और कुछ खाने के बाद भी दर्द होता है, तो ऐसी दशा में उन्हें क्या करना है, ये आमा हल्दी लीजिए, इसका चूर्ण बना लीजिए और सुबह शाम 2-2 ग्राम की मात्रा में इस आमा हल्दी के चूर्ण को काले नमक के साथ, या तो आप पानी के साथ ले सकते हैं, ताज़ा पानी से ले सकते हैं, या गुनगुने पानी से, इस तरीके से आप सेवन कीजिए। तो लंबे से लंबा भी आपके पेट में दर्द है, खाली पेट होने पर भी होता था, भरे पेट पर भी होता था, किसी भी समय असमय हो जाता था, तो आमा हल्दी के प्रयोग से आप अपनी उस पेट दर्द की शिकायत को ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, वो लोग जो पीलिया से ग्रसित हैं, वो तमाम जो उपचार ले रहे हों उसे कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके साथ साथ यदि आंवा हल्दी का एक खास तरीके से प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका पीलिया बहुत तेज़ी से ठीक होने लगा है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप आंवा हल्दी का चूर्ण लीजिए और समान मात्रा में उसमें सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिला लीजिए। दोनों को मिलाकर 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम उसका निरंतर सेवन करें। 4 से लेकर 5 दिन ही जब आप इसका सेवन करेंगे तब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका पीलिया बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा पर कहीं भी किसी भी किस्म का विकार है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फिर वो फंगल हो, आपको क्या करना है, केवल इसका चूर्ण लीजिए और उस चूर्ण को आप पानी में मिला के पेस्ट बना लीजिए और अपनी इफेक्टेड स्किन पर आप उसे अप्लाई कीजिए। उस जगह लगाइए जहाँ पर आपकी त्वचा पर वो समस्या है, 2-1 घंटे लगे रहने दीजिए, धो दीजिए। आमा हल्दी का ये चूर्ण आपकी स्किन पर होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकता है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनको किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो फंगस से हो,
और ये समस्या उन लोगों के लिए तो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब ये इन्फेक्शन किसी आपके शरीर के नमी वाले हिस्से पर हो जाता है। कुछ लोगों को जांघों पर हो जाता है, कुछ को बगलों में हो जाता है। तो ऐसे जगह जहाँ पर आपको पसीना भी अधिक आता है, आपके शरीर में नमी बनी रहती है, तमाम उपचार के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सालों साल से ये समस्या चली आ रही है, इतनी लंबी समस्या हो गई है कि स्किन का कलर ही चेंज हो गया। आप इस आंबा हल्दी के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बहुत साधारण उपचार है। आप इस आंबा हल्दी का चूर्ण लीजिए, उस चूर्ण को पानी में मिलाकर एक लेप तैयार कीजिए, और आपका जो भी इफेक्टेड एरिया है, ओपन स्किन पर है तब, शरीर के अंदर कहीं पर है, ऐसी जगह पर है जैसे जांघें हैं, बगल है, ऐसी जगह पर अगर हो जाता है तो वहाँ पे उस लेप को आप लगा दीजिए। करीबन एक से लेके डेढ़ घंटा उस लेप को लगे रहने दें, या फिर जब तक वो पूरी तरीके से सूखे नहीं तब तक उसे लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे सादे पानी से धो दीजिए, हटा दीजिए। जब आप इसका इस तरीके से 4 से 5 दिन इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका वो इन्फेक्शन कम होने लगा है, और लगातार अगर आपने इसका 10 से 15 दिन प्रयोग किया तो देखेंगे कि वो इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। और स्पेशली वो लोग जिनके शरीर के नम हिस्सों पर ये इन्फेक्शन हो जाता था, त्वचा का रंग काला पड़ गया था, लगातार अगर आप इसे लगाएंगे तो देखेंगे इन्फेक्शन तो खत्म हो ही गया है, साथ ही साथ आपकी स्किन का कलर वापस पहले जैसे होना लगा है। दोस्तों, आंबा हल्दी से आप इतने सारे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।